1984 में देश सिख दंगों का शिकार था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के अंगरक्षक ने की थी जो कि सिख था। इसके जवाब में देश भर में सिखों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, जिसके इंसाफ के लिए सिख लोग आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कमेटी के लोगों का कहना है कि इस दंगे की जांच के लिए हम लोगों ने हर जगह न्याय की गुहार लगाई, कई सरकारों ने वादा किया पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। हमने एक जनहित याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बहुत स्पष्ट की। केंद्र सरकार को कहा कि आप अपनी रिपोर्ट जो है जल्दी सुप्रीम कोर्ट में पेश करें और जो यूपी सरकार है वो भी इस रिपोर्ट को जल्दी पेश करें। 2019 के लोकसभा के चुनाव करीब आते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई है। आपको बता दें छोटी पार्टियों का बड़ी पार्टियों से जुड़ना शुरू हो गया है। इसी क्रम में जनहित विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना से जुड़ गए हैं। लखनऊ के बुलाकी अड्डे में बने एक बिस्कुट गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। लगभग 4 घंटे के बाद दमकल और पुलिस आग बुझाने में कामयाब हुई। अभी तक आग लगने का कोई कारण सामने नहीं आया है। स्वयं सेवी संगठन ने महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर संस्था के संस्थापक अपर्णा यादव और प्रतीक यादव भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि 3 तलाक महिलाओं के सम्मान के लिए एक बड़ा अभिशाप है, इसे खत्म करने के लिए कानून बनाने को लेकर विपक्ष के लोगों को राज्यसभा में सरकार का साथ देना चाहिए। बच्चों में चेतना जागृत हो और बच्चों में चेतना जागृत होने के साथ साथ बच्चे बचपन से ही जो सामाजिक गतिविधियां हैं, नैतिक गतिविधियां हैं, कहते हैं ना कि उनमें कला का समावेश हो, संगीत का समावेश हो, खेलकूद से उनका एक सर्वांगीण विकास कैसे हो सके, इसको लेकर तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। लखनऊ मेट्रो के नए रूट का ट्रायल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मेट्रो के नए रूट का चारबाग रेलवे स्टेशन से आईटी चौराहे तक मेट्रो ट्रायल किया गया। वहीं इस दौरान हनुमान सेतु पर कई घंटों तक मेट्रो को खड़ा रखा गया, जिसे देखने के लिए काफी भीड़ मौजूद रही।